हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं यूपी बोर्ड 9th क्लास के अंतर्गत इंग्लिश प्रोज का तीसरा चैप्टर प्लेइंग द गेम। ये चैप्टर एक कहानी है एलन नाम के लड़के की, और ये कहानी ये चैप्टर जो लिखा है आर्थर मी ने लिखा है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल भी हिट करें जिससे जो भी हम आगे वीडियो दें वो आप तक पहुंच जाए, और साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे और अधिक व्यूअर्स हमसे जुड़ सकें। तो चलिए मैं इसकी कहानी इसको शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सार बता दूँ आपको। एक्चुअली इस चैप्टर में एक एलन नाम का लड़का होता है जिसको स्कूल में मैच में पार्टिसिपेट करना होता है, और तो स्कूल में पार्टिसिपेट करने के लिए वो जा रहा होता है कि उसको रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति की मदद करने वो लेट हो जाता है, और अंत में ये होता है कि स्कूल में वो लेट पहुंचता है और उसकी जगह एक दूसरे लड़के को खेल में जगह दे दी जाती, खिला लिया जाता, तो जिसके कारण वो अंत में निराश घर लौटता है। लेकिन फिर भी उसको घर में अपने पिता से उपहार मिलता है क्योंकि पिता उसके उससे वादा किए थे यदि वो जीतता है उसकी टीम जीतती है तो वो उसको साइकिल गिफ्ट करेंगे। और इस चैप्टर से हमें ये संदेश मिलता है कि जीवन जो है वो कठिनाइयों से भरा है, और जीवन एक गेम की तरह है, और जीवन को ठीक वैसे ही लेना चाहिए जैसे हम गेम को लेते हैं, कोई भी गेम हो। तो ज़रूरी नहीं है कि हम खेल के मैदान में ही गेम खेलें, हम यथार्थ जीवन में भी गेम खेलते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसके चैप्टर से। पहला पैराग्राफ है, एलन्स मदर केम टू द गेट टू सी हिम ऑफ। सी ऑफ मीन होता है विदा करना, कि एलन की माँ गेट तक आई उसको विदा करने। गुड बाय एलन, एलन गुड बाय, डू योर बेस्ट, सी कॉल्ड आउट। उन्होंने तेज आवाज में अर्थात पुकार के कहा, गुड बाय एलन, डू योर बेस्ट, अपना सर्वोत्तम देना अर्थात जितना अच्छे से अच्छा कर सको वो करना, डू योर बेस्ट यानी अपनी पूरी कोशिश करना। आई ट्राई मम्मी, आंसर्ड एलन, कि एलन ने उत्तर दिया आई ट्राई मम्मी, मम्मी मैं कोशिश करूंगा। एंड और वेविंग हिज हैंड, अपना हाथ वेव करते हुए हिलाते हुए, ही रैन आउट ऑफ द गेट, वो गेट से बाहर आया, एंड अप द रोड, और रोड के ऊपर पहुंच गया और रोड तक आ गया, वो यानी गेट से बाहर की ओर दौड़ा और रोड तक पहुंच गया, अप द रोड। आगे देखें, डू हिज बेस्ट, अपना सर्वोत्तम करना यानी पूरी कोशिश करना, ऑफ कोर्स वास्तव में ही वुड वो करेगा। फॉर चूंकि एलन वाज प्लेइंग इन द स्कूल क्रिकेट मैच, अब चूंकि एलन वाज प्लेइंग, एलन खेल रहा था इन द स्कूल क्रिकेट मैच, स्कूल के क्रिकेट मैच में, एंड वाज माइटली प्राउड ऑफ, माइट माने होता शक्ति, तो माइटली माने होता पराक्रम या शक्ति से, प्राउड ऑफ बींग चूजन टू प्ले, और उसको खेल के लिए चुने जाने का उसको बहुत वो भी था, प्राउड भी था, स्वाभिमान था उसको इस बात पर कि उसको खेल के लिए चुना गया। एंड वाज माइटली प्राउड ऑफ बींग चूजन, प्राउड के साथ ऑफ लगता है, बींग चूजन चुने होने का अर्थात चुने जाने का, उसको खेल में चुने जाने का भी स्वाभिमान था, एक गर्व था, प्राउड, प्राउड माने गर्व। ही हैड प्रैक्टिस्ड बॉलिंग विद हिज फादर फॉर अ वीक नाउ, कि अब तक, नाउ माने अब, ही हैड प्रैक्टिस, वो उसने प्रैक्टिस की थी बॉलिंग की, विद हिज फादर फॉर वीक्स, हफ्तों अपने पिता के साथ उसने बॉलिंग की प्रैक्टिस की थी। एंड और डैडी सेड टू सेड, और डैडी सेड, और उसके पिता ने कहा था, ही वाज सैपिंग बेल, अब सैपिंग बेल का इधर अर्थ है अच्छी गेंद डालना, उसके पिता ने और ये कहा था कि वो अच्छी गेंद डाल रहा है,
अब शेप माने तो होता आकार, यानी गेंद को अच्छा आकार दे रहा है, यानी अच्छी गेंद डाल रहा है। प्रैक्टिस उसने बॉलिंग की अच्छी की, हफ्तों प्रैक्टिस की अपने पिता के साथ। डैडी वाज नियरली एज एक्साइटेड एज एलन ओवर द मैच। अब डैडी उसके पिता उतने ही एक्साइटेड थे उस मैच के बारे में, उसके पिता उतने ही उत्सुक थे जितना एलन ओवर द मैच। एज एक्साइटेड, उतने एक्साइटेड एज एलन, जितना एलन ओवर द मैच, कि जितना मैच को लेकर एलन एक्साइटेड था, उत्तेजित था, उतने ही उसके पिता उत्तेजित थे। एंड ही प्रोमिस्ड दैट, और उसके पिता ने प्रॉमिस किया दैट कि इफ एलन साइड वॉन, अगर एलन की साइड जीतती है तो ही वुड बाय हिम अ बाइसाइकिल, तो वो उसको एक बाइसाइकिल यानी साइकिल खरीद कर देंगे। नो वंडर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, एलन वाज एक्साइटेड, कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि एलन एक्साइटेड था, उत्तेजित था। आगे देखते हैं। ऑन हिज वे टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड, ऑन हिज वे टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड, एलन हैड टू पास द लिटिल थ्री कॉर्नर्ड मीडो। अब ऑन हिज वे यानी अपने रास्ते में, टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड, कि स्पोर्ट्स ग्राउंड तक अपने रास्ते में एलन हैड टू पास। अब हैड टू का यूज होता है मुसीबत के लिए, मजबूरी के लिए, तो एलन हैड टू पास, एलन को गुजरना पड़ा। पास माने होता है गुजरना। द लिटिल थ्री कॉर्नर्ड मीडो, तीन कोने वाला चारागाह, यानी ऐसा चारागाह है, ऐसा घास का मैदान जो तिकोना था, उस तिकोने छोटे से घास के मैदान से उसको गुजरना पड़ा। एंड एज ही रीच्ड इट, और जैसे ही वो वहां पहुंचा, ही सॉ, उसने देखा अ वेरी ओल्ड मैन लीनिंग, लीन माने होता है झुकना, लीनिंग हैवीली, बड़े भारीपन से वो झुका है, ऑन हिज स्टिक, अपनी छड़ी पर, यानी अपनी छड़ी के सहारे पूरी ताकत से वो झुका हुआ है छड़ी के ऊपर, छड़ी के सहारे वो झुका हुआ है। उसने एक व्यक्ति को देखा जैसे ही वो उस चारागाह के कोने में पहुंचा। एज एलन पास्ट, और जैसे ही एलन वहां से गुजरा, द ओल्ड मैन कॉल्ड आउट टू हिम, उस बूढ़े व्यक्ति ने उसको कॉल्ड आउट किया, यानी उसको पुकार कर बुलाया। कैन आई हेल्प यू, आस्क्ड एलन काइंडली गोइंग अप टू हिम, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आस्क्ड एलन काइंडली। एलन ने बड़े काइंडली, बड़ी नम्रता से, बड़े दयापूर्वक पूछा, गोइंग अप टू हिम, उसके पास जाते हुए पूछा। द ओल्ड मैन, वो बूढ़ा व्यक्ति, इन अ थिन, एक थिन पतली, क्रैक्ड वॉइस, क्रैक्ड वॉइस का अर्थ है थरथराती हुई आवाज, यानी बड़ी कपकपाती हुई आवाज में, रिक्वेस्टेड एलन टू लेट हिम टेक हिज आर्म, उसने एलन से रिक्वेस्ट किया टू लेट हिम, कि वो उसको ले ले, लेट हिम टेक हिज आर्म, यानी उसको अपनी बाहों के सहारे लेने दे, उसने रिक्वेस्ट किया कि वो उसको अपनी बाह का सहारा दे दे, यानी बाह का सहारा लेने दे, लेट माने होता है अनुमति देना। ही सैड, उसने कहा, दिस रोड इज सो हिली, ये जो रोड है वो बहुत हिली है, यानी पथरीला है। उसने कहा कि ये रोड बहुत हिली है, पथरीला अर्थात उबड़ खाबड़ है। एंड द विंड इज ऑलमोस्ट टू मच फॉर मी, और जो हवा चल रही है ऑलमोस्ट, लगभग, टू मच यानी अत्यधिक है मेरे लिए, यानी आवश्यकता से अधिक, टू का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक होना, कि मेरे लिए बहुत ज्यादा है, मैं इतनी हवा में नहीं चल सकता। आगे देखें तो ओल्ड मैन इतना कहता है, आई वुड लव टू हेल्प यू सर, सेड एलन, एलन ने कहा, आई वुड लव, मैं चाहूंगा, टू हेल्प यू सर, यानी सर, श्रीमान जी, मैं आपकी मदद करना पसंद करूंगा, फॉर ही न्यू, अब चूंकि, जब भी कॉमा के बाद फॉर आए तो उसका अर्थ होता है चूंकि, फॉर ही न्यू, चूंकि वो जानता था, ही कुड इजली मेक अप व्हाट टाइम ही हैड लॉस्ट बाई रनिंग वेन ही लेफ्ट द ओल्ड मैन, अब चूंकि वो जानता था, अब एलन ने कहा कि मैं आपकी मदद करना पसंद करूंगा, चूंकि, फॉर ही न्यू, वो जानता था, ही कुड ईजली मेकअप, मेकअप माने होता है कमी पूरी करना, वो कमी पूरी कर लेगा, व्हाट टाइम है
वॉट टाइम, कि जितना समय ही हैड लॉस्ट, जितना समय उसका लॉस्ट होगा यहाँ खर्च होगा, उतनी वो उतने समय की वो कमी पूरी कर लेगा। वाई रनिंग, दौड़कर। वेन ही लेफ्ट द ओल्ड मैन, जब उस इस ओल्ड मैन इस वृद्ध को वो छोड़ेगा, तो वो उतने जितना टाइम इसको छोड़ने में लगेगा उतने टाइम की वो दौड़कर कमी पूरी कर लेगा, इतना एलन जानता था। आगे देखें, बट द पुअर ओल्ड जेंटलमैन लीन्ड हेवली ऑन एलन्स स्टर्डी लिटिल आर्म एंड टॉटर्ड अलोंग लाइक अ बेबी। बट द ओल्ड पुअर जेंटलमैन, लेकिन बट द पुअर ओल्ड जेंटलमैन, पुअर माने बेचारा, ओल्ड माने बूढ़ा, जेंटलमैन माने सभ्य, लेकिन वो बेचारा बूढ़ा सभ्य व्यक्ति लीन्ड झुका हुआ था, हेवली माने पूरे भार से, ऑन एलन्स स्टडी, स्टडी माने होता है तगड़े या मजबूत, लिटिल आर्म वो एलन के छोटे मजबूत हाथ पर झुका हुआ था, भारीपन से माने उसके पूरे सहारे से झुका हुआ था वो बूढ़ा व्यक्ति, एंड टॉटर्ड और लड़खड़ा रहा था, अलोंग लाइक अ बेबी, और साथ ही साथ चलते हुए वो लड़खड़ा भी रहा था, अलोंग लाइक अ बेबी, जैसे एक बच्चा। अलोंग माने होता है के साथ, यानी झुकने के साथ साथ वो लड़खड़ा रहा था बच्चे की तरह, लाइक अ बेबी। सो इसलिए स्लोली डिड ही वॉक, दैट 5 मिनट्स हैड गॉन बिफोर दे वर हाफ वे अप द रोड। सो इसलिए स्लोली डिड ही वॉक, इसलिए वह स्लोली चला, धीरे से चला एलन उसके साथ, इतने धीरे कि दैट 5 मिनट्स हैड गॉन, कि 5 मिनट निकल गए बिफोर, इसके पहले कि देवर हाफ वे अप द रोड, इसके पहले कि वे रोड तक आधे रास्ते भी आ पाए, उसमें ही यानी आधे रास्ते आने में ही, रोड के ऊपर आधे रास्ते आने में ही उसके 5 मिनट चले गए। एलन एक्सप्लेन्ड टू द ओल्ड मैन दैट ही वॉज ऑन हिज वे टू अ क्रिकेट मैच। अब एलन ने ये एक्सप्लेन किया, उसे कहा, उसको समझाया, टू द ओल्ड मैन को दैट कि ही वाज ऑन हिज वे, कि वो अपने रास्ते था, यानी रास्ते जा रहा था, टू अ क्रिकेट मैच, कि वो क्रिकेट मैच देखने जा, देखने नहीं, क्रिकेट मैच खेलने के लिए वो रास्ते जा रहा था, एंड और दैट, और ये कहा कि ही मस्ट नॉट बी लेट, उसे जरूर से लेट नहीं होना है, यानी उसने बूढ़े व्यक्ति को समझाया कि वो अपने रास्ते जा रहा था मैच के लिए और उसे लेट अवश्य नहीं होना है, मस्ट नॉट बी लेट, बट ही सीम्ड नॉट टू हियर हिम, लेकिन ही सीम्ड, सीम माने होता है प्रतीत होना, लेकिन वो ऐसे प्रतीत हुआ जैसे कि नॉट टू हियर हिम, कि उस बूढ़े ने उसको नहीं सुना। वेयर डू यू लिव सर, कॉल्ड एलन एट लास्ट इन द ओल्ड मैंस ईयर। अब वेयर डू यू लिव सर, कि श्रीमान जी आप कहाँ रहते हैं, कॉल्ड एलन एट लास्ट, कि अंत में एलन ने ये कहा, इन द ओल्ड मैंस ईयर, उस बूढ़े व्यक्ति के कान में ओल एलन ने कहा कि आप कहाँ रहते हैं सर, क्योंकि वो उसको सुनाई दे नहीं रहा था, तो उसने उसके कान में कहा, अप द रोड एंड सम वे राउंड द कॉर्नर। तो उसने कहा अप द रोड, सड़क के ऊपर कोने से मोड़कर कुछ दूरी पर, संबे माने कुछ दूर, राउंड द कॉर्नर कोने से मोड़कर। ही आंसर्ड, उस वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया कि सड़क के ऊपर कोने से मोड़कर कुछ दूर। अब ही आंसर्ड इन हिज थिन वीक वॉइस, उसने अपनी पतली, थिन माने पतली, और कमजोर आवाज में उसने आंसर दिया कि सड़क के ऊपर थोड़े दूर मुड़कर, कोने में थोड़ा मुड़कर। आई शुड बी सो मच ऑब्लिस्ट इफ यू कुड सी मी होम। अब वृद्ध कहता है आई शुड बी सो मच ऑब्लिस्ट, ऑब्लिस्ट माने होता है ऋणी होना या आभारी होना, कि मैं आपका बहुत आभारी होऊंगा, कि बच्चे मैं तुम्हारा बहुत आभारी होऊंगा, इफ यू कुड सी मी होम, कि अगर तुम मुझे मेरे घर तक सी कर दो, छोड़ दो, कराओ, पहुंचा दो, अगर तुम मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हारा बहुत आभारी होऊंगा। यू लुक
तुम लगते हो अ वेरी काइंड लिटिल बॉय, तुम एक बहुत दयालु छोटे बच्चे लगते हो, ऐसा उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा। सी हिम होम, अब सी हिम होम यानी उस व्यक्ति को घर तक पहुंचाना होगा। सी हिम होम माने उसको घर तक पहुंचाना होगा। ये क्वेश्चन स्वयं से एलन करता है कि घर तक पहुंचाना होगा। एंड और दे वर स्टिल अ लॉन्ग वे ऑफ, दे वर स्टिल, स्टिल माने अभी भी, अ लॉन्ग वे एक बहुत दूर, ऑफ लॉन्ग वे ऑफ माने वे अभी भी बहुत दूर थे, काफी दूर थे। इफ ओनली ही कुड वॉक अ लिटिल फास्टर, और वो सोचता है कि इफ ओनली काश ही कुड वॉक अ लिटिल फास्टर, कि काश ये थोड़ा और तेज चल सकता, ऐसा एलन सोचता है कि काश यदि वह थोड़ा और तेज चल सकता। वृद्ध व्यक्ति या ये या स्वयं एलन, क्योंकि दोनों साथ साथ स्लो चल रहे हैं, तो वो सोचता है काश वह थोड़ा और तेज चल सकता, लिटिल फास्टर, ही कुड वॉक अ लिटिल फास्टर। वाई द टीम्स वुड बी ऑलरेडी ऑन द फील्ड, वाई द टीम वुड बी ऑलरेडी ऑन द फील्ड, कि क्यों पूछता है, अरे द टीम वुड बी ऑलरेडी ऑन द फील्ड, कि टीम तो ऑलरेडी फील्ड में ही पहुंच गई होंगी। एंड द कैप्टन वुड बी, और कैप्टन वुड बी वंडरिंग, और वंडरिंग, और कैप्टन सोच रहा होगा वाई ही डिड नॉट कम, कि वह क्यों नहीं आया। अब एलन ये स्वयं के लिए, एलन के लिए बात हो रही कि कप्तान ये टीम पहले ही पहुंच गई होगी, और कप्तान ये सोच रहा होगा कि क्यों क्यों अभी एलन वहां नहीं आया, एलन क्यों नहीं पहुंचा। अगला पैराग्राफ देखें तो सडनली अचानक द ओल्ड मैन स्टम्बल्ड ओवर अ लूज पेविंग स्टोन एंड फेल हेवली ऑन द ग्राउंड। सडनली अचानक द ओल्ड मैन स्टम्बल्ड, स्टम्बल माने होता है लड़खड़ाकर गिरना, तो ओल्ड मैन लड़खड़ाकर गिर गया ओवर अ लूज पेविंग स्टोन, कि एक ढीले ढाले पेविंग स्टोन पर। पेविंग स्टोन माने होता है जो रास्ते का जो पत्थर होता है उसको पेविंग स्टोन बोलते हैं, कि पत्थर से ठोकर खाई और गिर गया वो, कि जो पेविंग स्टोन पड़ा था उस पर गिर गया, यानी पत्थर से ठोकर खाई और वो गिर गया। सडनली द ओल्ड मैन स्टम्बल्ड ओवर अ लूज पेविंग स्टोन, वृद्ध व्यक्ति अचानक रास्ते में पड़े एक पत्थर से ठोकर खाई, उसने खा गया वो, यानी खाकर गिर गया। एंड फेल हैवीली ऑन द ग्राउंड, हैवीली माने जोर से जमीन पर गिर गया, हैवीली माने होता है जोर से, ऑन द ग्राउंड, और फेल माने होता है गिर जाना, तो जोर से जमीन पर गिर गया। डोंट लीव मी लिटिल बॉय, मुझे छोड़ना मत छोटे बच्चे, मर्मर्ड द ओल्ड मैन, उस ओल्ड मैन ने मर्मर किया, अर्थ मर्मर माने होता है बुदबुदाना, उसने बड़े स्लो वॉइस में, बड़ी धीमी आवाज में बुदबुदा कहा कि मुझे छोड़ना मत बच्चे, छोटे बच्चे। नो आई विल स्टे हियर, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, आई विल स्टे हियर सेड एलन, एलन ने कहा नहीं मैं यहीं खड़ा रहूंगा। एंड ही सेट डाउन बिसाइड हिम, बिसाइड हिम माने बगल में, उसके बगल में, ही सेट डाउन, और वो उसके बगल में ही नीचे बैठ गया एलन। फॉर चूंकि ही फेल्ट श्योर, उसने निश्चय ही ये फील किया, यानी उसने ये निश्चित, उसको ये अब विश्वास था, फील माने होता है अनुभव करना, तो फेल्ट श्योर, उसने आश्वस्त यानी निश्चय रूप से उसने ये फील किया, दैट की उस इस बात के प्रति वो श्योर था, दैट की समवन वुड कम दैट वे सून, कि निश्चित कोई इस रास्ते जल्दी ही आएगा, उसने ऐसा, उसको आश्वस्त था, ऐसा उसने निश्चित रूप से सोचा, उसने ऐसा अनुभव किया कि कोई निश्चित इस रास्ते आएगा, इसलिए वो वृद्ध के साथ वहीं उसके बगल में बैठ गया। एलन स्टार्टेड एंग्जियसली अप एंड डाउन द रोड, एलन स्टेयर्ड, स्टेयर स्टार्टेड नहीं स्टेयर है, एलन स्टेयर, स्टेयर माने होता घूरना, अब यहां देखने से अर्थ है, एलन गौर से देखने लगा एंग्जियसली, बड़े चिंता करते हुए, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे द रोड, ड्यूरिंग द मिनट्स दैट फॉलोड, यानी ड्यूरिंग द मिनट्स, उन मिनटों में, दैट फॉलो जो गुजर रहे थे, यानी जो मिनट गुजर रहे थे उन मिनट में, एलन बड़ी उत्सुकता पूर्वक,
बड़ी चिंतापूर्वक एंग्जियसली ऊपर नीचे रोड में देख रहा था, यानी झांक के ऊपर नीचे देख रहा था। द मिनट्स ऑलमोस्ट सीम्ड लाइक आवर्स, और मिनट्स लगभग ऐसे प्रतीत हो रहे थे घंटों की तरह, यानी एक एक मिनट घंटों की तरह व्यतीत हो रहा था, घंटों की तरह उसको लग रहा था जैसे घंटे व्यतीत हो रहे। देन तब एट लास्ट अंत में टर्निंग द कॉर्नर की कोने पर मुड़ते हुए केम आया आ जॉली लुकिंग पुलिसमैन। जॉली माने होता प्रसन्नता, एक प्रसन्न मुद्रा वाला यानी प्रसन्न दिखने वाला एक पुलिसमैन आया जो बड़ी प्रसन्नता से चला रहा था। एलन कुड हैव शाउटेड फॉर जॉय, आनंद एलन आनंद से चिल्ला सका, यानी एलन एलन ने आनंद से चिल्लाया, बड़ी प्रसन्नता पूर्वक एलन ने आवाज लगाई, चिल्ला पड़ा एलन एलन आई विल सी दिस जेंटलमैन होम लिटिल बॉय द पुलिसमैन सेड आफ्टर एलन एक्सप्लेन्ड व्हाट हैड हैपेंड। कि आफ्टर एलन एक्सप्लेन, जब एलन ने समझाया एक्सप्लेन किया व्हाट हैड हैपेंड कि क्या हुआ है उनके साथ, कि क्यों वो यहाँ बैठे हैं, जब ये चीज़ एलन ने उस पुलिसमैन को समझाई तो उस पुलिसमैन ने कहा आई विल सी दिस जेंटलमैन होम, कि इस जेंटलमैन को मैं घर छोड़ आऊँगा, घर तक कर आऊँगा लिटिल बॉय, पुलिसमैन ने इतना कहा जब एलन ने उसको बताया कि क्या हुआ है। देन एलन रैन ऑफ एंड फ्लू एज फास्ट एज हिज लेग्स वुड कैरी हिम टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड। अब देन एलन रैन ऑफ, तब एलन भागा, निकल गया वहाँ से दौड़ते हुए, एंड फ्लू और उड़ा, अब उड़ने का अर्थ है तेज दौड़ना हवा की तरह, एज फास्ट एज इतनी तेज हिज लेग्स वुड कैरी हिम कि जितनी तेज उसके पैर उसको कैरी कर सकते ले जा सकते थे टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड, यानी एलन फिर इतनी तेज स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए यानी खेल के मैदान के लिए भागा जितनी तेज वो जा सकता था। बट द गेम हैड स्टार्टेड वेन ही अराइव्ड, लेकिन जब वो पहुंचा तो गेम शुरू हो गया था। अराइव माने होता है पहुंचना। वाई इट्स एलन, अरे या क्यों, इट्स एलन ये एलन है ना, सेड द टीचर, टीचर ने कहा अरे ये एलन है, ये तो एलन है। हु वाज स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द एंट्रेंस, कि उस टीचर ने कहा अरे ये तो एलन है, वह टीचर जो हु वाज स्टैंडिंग जो खड़ा हुआ था जस्ट इनसाइड द एंट्रेंस, एंट्रेंस माने होता प्रवेश द्वार, कि प्रवेश द्वार के जस्ट ठीक अंदर ही जो टीचर खड़े थे उन्होंने कहा अरे ये तो एलन है। यू आर नॉट मच गुड इफ यू कांट केम अप टू टाइम, यू आर नॉट मच गुड कि तुम अच्छे नहीं हो, यू आर नॉट मच गुड इफ यू कांट कम अप टू टाइम, अगर तुम समय से नहीं आ सकते तो तुम ठीक नहीं हो, तो तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर नॉट मच गुड, मच माने अधिक। वी हैव पुट इन कि हमने रख लिया है यंग, यंग माने युवा, हेरोल्ड बैंक्स, अब हेरोल्ड बैंक्स नाम का एक दूसरा लड़का है उसको रख लिया है इन योर प्लेस कि तुम्हारी जगह हमने हेरोल्ड बैंक्स को रख लिया है। फॉर्चुनेटली सौभाग्य से ही इज पुटिंग सम गुड बॉल्स ओवर, और ही इज पुटिंग वो डाल रहा है या फेंक रहा है, कुछ अच्छी बॉल भी फेंक रहा है, यानी अभी तक वह सौभाग्य से वह बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। आगे देखें, एलन विट हिज लिप्स, एलन ने अपने विट हिज लिप, एलन ने अपने ओंठ काट लिए। हाउ कुड ही एक्सप्लेन, अब वो कैसे एक्सप्लेन कर दे, कैसे समझाए। ही टर्न अवे, वो मुड़ा, एंड मेड हिज वे स्लोली होम, और मेड हिज वे अपना रास्ता तय किया, स्लोली होम अर्थात धीरे धीरे घर की ओर बढ़ा, वो मुड़ा और धीरे धीरे घर घर की ओर चला, मेड हिज वे उसने रास्ता नापा, मेड हिज वे का मतलब होता है रास्ता नापना या तय करना, तो चला अपने घर की ओर वो धीरे धीरे स्लोली। हिज फादर ओपन्ड द डोर, उसके पिता ने दरवाजा खोला। ब्रेवो एलन ही सेड पैटिंग हिज लिटिल सन ऑन द बैक, ब्रेवो एलन शाबाश एलन ही सेड, उसने कहा, उसके पिता ने कहा शाबाश एलन शाबाश ब्रेवो,
पैटिंग हिज लिटिल सन ऑन द बैक, उसकी बैक पीठ पर पैटिंग करते हुए थपथपाते हुए, पीठ थपथपाते हुए उसके पिता ने कहा, ब्रेबो एलन, बहुत अच्छे एलन, शाबाश। बट डैडी बिगिन एलन, लेकिन एलन ने कहना शुरू किया, बट डैडी, लेकिन डैडी, अच्छा, अब एलन की ये कहने का अर्थ ये है कि एलन को ये समझ में नहीं आ रहा कि पिताजी पीठ क्यों थपथपा रहे, क्योंकि वो तो क्रिकेट में भाग लिया ही नहीं है, इसलिए एलन ने ऐसा कहा। बट डैडी, लेकिन डैडी, बट हिज फादर इंटरप्टेड हिम, लेकिन उसके पिता ने इंटरप्ट कर दिया, रोक दिया, बीच में ही बाधित कर देना, उसकी बात को बीच में ही काट दिया, इंटरप्ट कर दिया, बाधित कर दिया। आगे देखें, इट्स ऑल राइट ओल्ड मैन ही सेड, कि इट्स ऑल राइट ओल्ड मैन। अब ओल्ड मैन का अर्थ ये है कि उसने अपने लड़के को, उसके पिता ने, एलन के पिता ने एलन को बड़े प्यार से ओल्ड मैन कहा कि सब ठीक है बूढ़े आदमी। उन्होंने कहा, यू सी, तुम्हें मालूम है, आई केम अप, मैं आया था बिहाइंड दैट पुलिसमैन, उस पुलिसमैन के पीछे मैं आया, एंड ही टोल्ड मी, और उसने मुझे बताया, व्हाट हैड हैपेंड, व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ है, हैपेंड माने होता है होना, कि क्या हुआ है, उस पुलिसमैन ने मुझे बताया। सो इसलिए आई न्यू यू वर प्लेइंग द गेम, इसलिए मैं जानता हूं, मैं जानता था, यू वर प्लेइंग द गेम, कि तुम मैच खेल रहे हो, ऑल दो, यद्यपि, इट वॉज नॉट ऑन द, इट वॉजेंट ऑन द क्रिकेट पिच, हालांकि ये मैच क्रिकेट पिच पर नहीं था, क्रिकेट के मैदान पर नहीं था। सो इसलिए आई वेंट बैक टू द मार्केट प्लेस, इसलिए मैं वेंट बैक, वापस गया मार्केट, एंड और बॉट द बाइसिकल आई प्रोमिस्ड, और वो साइकिल आया जो मैंने प्रोमिस किया था, बॉट द बाइसिकल, वह साइकिल आया, आई प्रोमिस्ड यू, जो मैंने तुमसे वादा किया था तुम्हें देने के लिए। इट्स अ ब्यूटी, इट्स अ ब्यूटी, यानी पिता ने जब उसको साइकिल का जो वादा दिया था वो पूरा कर दिया, तो आगे कहते हैं, इट्स अ ब्यूटी, यह बहुत सुंदर बात है, इट्स अ ब्यूटी, कि तुमने इतना अच्छा किया, ये बहुत सुंदर बात है, एंड और एलन, वी आर प्राउड ऑफ यू, योर मदर एंड आई, और उसके पिता कहते, एलन, वी आर प्राउड ऑफ यू, हमें तुम पर गर्व है, प्राउड माने गर्व करना, प्राउड ऑफ यू, योर मदर एंड आई, तुम्हारी माँ को और मुझे तुम पर गर्व है। एंड इन द क्लास रूम नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगले सुबह क्लास रूम में, द बॉयज गेव एलन थ्री लाउड चीयर्स, कि तीन बार तेज चीयर्स बोलकर उन्होंने एलन के लिए तालियां बजाई बच्चों ने अगले दिन क्लास में, एज ओनली स्कूल बॉय कैन, अब जो जैसा कि स्कूल के बच्चे करते हैं या कर सकते हैं, यानी जैसे कि स्कूल के बच्चे किया करते थे जब कोई अच्छा कार्य करता था तो तीन बार चीयर्स बोल के तालियां बजाते थे, वो अगले दिन उन बच्चों ने ऐसा किया। फॉर चूंकि इन सम मिस्टीरियस फैशन, किसी रहस्यमय तरीके से, दे हैड लर्नड ऑल अबाउट हिज काइंड एक्ट, उन्होंने जान लिया था, लर्न माने होता है उनको, यहाँ जान लेने का अर्थ है सीख लिया या जान लिया, लर्न ऑल अबाउट हिज काइंड एक्ट, कि उसके दयालुतापूर्ण कार्य के बारे में किसी भी तरह, किसी गुप्त विधि से, गुप्त रीति से, मिस्टीरियस फैशन कहने का अर्थ है गुप्त रीति से, उन्होंने जान लिया था, यानी बच्चों को किसी तरह ये पता चल गया था एलन के उस दयालुतापूर्ण कार्य के बारे में, तो इसलिए उन बच्चों ने अगले दिन उसका तीन लाउड चीयर से स्वागत किया और तालियां बजाई, यानी तीन बार चीयर्स बोलकर तालियां बजाई। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो यहीं समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। आगे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।